नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पर। आप जानते हैं कि हमने लास्ट सैटरडे से हमने वर्कआउट सीरीज चालू कर दी है फॉर साइज गेन और मसल बिल्डिंग के लिए, और काफी अच्छा हम वर्कआउट कर रहे हैं हमारे दो मित्र हैं उनके साथ। और जाहिर सी आप बात है, जब आप वर्कआउट करते हैं तो सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, और अगर वो सप्लीमेंट नेचुरल हो, जी हाँ 100% नेचुरल हो, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो बेहतरीन आता ही है, ओवरऑल बॉडी को नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि आजकल ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल जो कि मिलते तो है बट उसके साथ फ्लेवर्ड इतने रहते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव रहते हैं, एंटी क्रैकिंग उसके एजेंट रहते हैं, इतने सारे चीजें मिलाते हैं जिससे दूसरी चीजों का खतरा बढ़ जाता है। तो आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को लेके आया हूं जो कि हम यूज कर रहे हैं कम से कम 15 डेज से, और उसका रिजल्ट पहले दिन से ही पता चल जाता है, और वो है सप्लाई 6 का प्री वर्कआउट। और ये कारण क्या है इसका यूज करने का, मैं आपको बता दूं, ये सेकंड पैक है। और इसका यूज करने का कारण क्या है, देखिए ये 100% नेचुरल है, अनफ्लेवर्ड है, कोई शुगर नहीं है, कोई एडिटिव्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। मतलब मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड आ गए, रॉ अनफ्लेवर्ड आ गए, ग्लूटामाइन, BCAA तो आते ही है, बट प्री वर्कआउट नहीं आता था। प्री वर्कआउट ब्लूबेरी, रेसबेरी और पता नहीं फलाना फ्लेवर में आते थे, और बहुत ही ज्यादा, और जिन लोगों को गले अस्थमा और इनकी दिक्कत हो तो वो तो ले ही नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज्यादा चुभता था, बहुत सारे को साइड इफेक्ट और उससे एलर्जी हो जाती, टॉन्सिल्स वगैरह, गला खराब हो रही है। बट उसकी जगह अच्छी क्वालिटी के साथ सस्ता सुंदर प्री वर्कआउट मार्केट में अब लॉन्च हो चुका है सप्लाई 6 का, और हम इसे यूज कर रहे हैं। बट आपको बता दूं इसको लेने से पहले कि इसके अंदर है क्या, क्या है वाकई 100% नेचुरल है, तो चलिए फटाफट हम इसे देखते हैं। तो हम इंग्रेडिएंट देखें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इंग्रेडिएंट ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, बीटा एलेनाइन, सिट्रुलिन माल्टेट और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, नेचुरल कैफीन और क्यूरक्यूमिन। ओवरऑल देखें तो यहाँ के न्यूट्रिशन फैक्ट इन्फो देखें तो आप देख सकते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, BCAA जो है पर सर्विंग 15 ग्राम की है, और BCAA जो तीनों ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन ये 8.5 ग्राम है, बीटा एलेनाइन 1.8 ग्राम है, सिट्रुलिन माल्टेट 2.1 ग्राम है, क्रिएटिन 0.9 ग्राम है, एल ग्लूटामाइन 0.4 ग्राम है, एल आर्जिनिन 0.4 ग्राम, और नेचुरल जो कैफीन है वो 2 ग्राम है। और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं मिला। अब बात करूं इसके इंग्रेडिएंट की, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है पर्टिकुलर उनका काम क्या है और ये क्यों बेहतर है। सबसे पहले बात करूं मैं BCAA में क्या होता है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसीन आइसोल्यूसीन वेलिन, ये करता है आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक में नहीं जाने देता। जब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में चले जाती है, एक फेज आता है जिसमें वर्कआउट के बाद या ड्यूरिंग जिसमें मसल लॉस होने लग जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारों को एनर्जी खत्म हो जाती है, मसल लॉस हो जाता है, फटिकनेस आ जाती है, तो उसमें क्या होता है मसल रिपेयर होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है रिपेयर होती है मसल रात को जब हम रेस्ट करते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और एनर्जी हम एनाबॉलिक फेज में रहे उसके लिए हम BCAA यूज करते हैं जो कि ल्यूसीन आइसोल्यूसीन। अगला जो इसके अंदर है बीटा एलेनाइन, और जो बीटा एलेनाइन करता है ये क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है मसल कार्सोनाइन स्टोर को। जी हाँ, आपके मसल में कार्सोनाइन स्टोर होता है, उसको बढ़ाता है, उससे क्या होता है आपकी जो ड्यूरिंग वर्कआउट में फटिकनेस बिल्कुल नहीं आती। और उसके साथ साथ एक रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि जो बीटा एलेनाइन लेता है वर्कआउट के प्री वर्कआउट, तो उससे होता क्या है कि उनका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, और वो जो कि इंटेंस वर्कआउट करते हैं लंबे समय तक 40-45 मिनट तक, तो कांस्टेंट आपकी जो वर्कआउट करने के दौरान जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको रोक देता है, केवल वो मसल पाड़ने का काम करता है। अगला जो इसके अंदर मिला है वो है सिट्रुलिन माल्टेट और उसके साथ एल आर्जिनाइन, मैं दोनों को साथ में बताऊंगा। देखिए सिट्रुलिन जो माल्टेट है वो एक तरह का अमीनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी में जाता है और किडनी उसको कन्वर्ट कर देती है एल आर्जिनाइन में जो कि पहले से इसमें है, बट एल सिट्रुलिन भी मिला है जो कि किडनी कन्वर्ट करते हैं और ये डायरेक्ट जाता। अब मैं एल आर्जिनाइन की जो सेकंड मिला उसके बाद में बात करूंगा, सिट्रुलिन माल्टेट की बात करूं तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाता है और जाने के बाद किडनी उसको कन्वर्ट कर देती है एल आर्जिनाइन में जो कि होती है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और ये गैस क्या करती है आपके ब्लड वेसल को चौड़ी करती है, जो नस नाड़ियां रहती है जिससे ब्लड फ्लो होता है उसको स्मूथ करती है, चौड़ी करती है। उससे होता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं जैसे बाइसेप लगाते हैं या चेस्ट लगाते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, तो उससे होता क्या है कि ब्लड इकट्ठा होता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत
तेजी से बढ़ जाता है, और तेजी से सर्कुलेशन बढ़ रहा है मतलब जो वेसल है उनका स्मूथ और चौड़ा होना जरूरी, पाइप जितना फ्लेक्सिबल होगा ब्लड उतनी तेजी से बढ़ेगा, तो यही कारण होता है। और आप सोचिए नसों का फूलना गलत नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छे, जितनी अच्छी स्मूथ और चौड़ी आपकी नसें रहेगी उतना ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, एक्चुअली मेडिकल पर्पज में भी यूज होती है ये, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए करता है, जिनको इरेक्शन डायफ्यूजन की प्रॉब्लम है, नाइट फॉल या जो भी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है मेल को, तो उनको भी दूर करता है, क्योंकि ये ब्लड जो नस नाड़िया उनको चौड़ी करता है जिससे ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होता है। इसके बाद इसके अंदर मिला क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ठीक है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का काम क्या होता है, बहुत सिंपल बताऊं, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, बाइसेप लगा रहे हैं या चेस्ट लगा रहे हैं, आपने देखा होगा 6-7 रेप्स के बाद अगला जो रहता है 8-9 वो बहुत हैवी लगता है, उठते नहीं है, क्यों, कमी रहती है एटीपी की। जी हाँ, वहां काम करता है क्रिएटिन कन्वर्ट होता है अमीनो एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि सेल को एनर्जी देता है, ये काम रहता है, फिर वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाए, बहुत लंबी कहानी है, कहने का मतलब है एंड्योरेंस का काम करता है, स्टेमिना बढ़ाता है, जहाँ आपके हेवी वेट से आप 6-7 लगाते हैं, वही हेवी वेट से आप 10-12 रेप्स लगा सकते हैं, तो ये काम होता है क्रिएटिन का। अगला रहता है L-ग्लूटामिन। ग्लूटामिन एक तरह का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि मसल्स को 60% मसल बिल्ड जो है वो ग्लूटामिन करता है, साथ में जो जॉइंट्स रहते हैं आपके, जो जॉइंट्स रहते हैं उनको रिपेयरिंग का काम भी ग्लूटामिन करता है। ध्यान रखें, अगर आपको वर्कआउट के दौरान जॉइंट्स दुख रहे, हाथ पर दुख रहे, तो ग्लूटामिन आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ इसके मिला है कैफीन, और कैफीन एक तरह का एंड्योरेंस, स्टेमिना और स्टिकनेस बढ़ा देता है, मतलब अलर्ट कर देता है, और उससे होता क्या है, जिम में आपका मन लगता, साथ में या फैट कट भी करते हैं, ध्यान रखें फैट कट, हमें कोई बल्क नहीं होना, हमको बिल्कुल लीन सेक्सी फिजिक बनानी है, तो उसके लिए हमको फैट जो है बॉडी में नहीं होना चाहिए, या 8-10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ध्यान रखें आपका वेट भी बढ़े, साथ में फैट ना बढ़े, नॉर्मल बढ़े, ताकि आपकी इंडिविजुअल मसल टू मसल दिखे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री वर्कआउट में लेने के लिए, इसलिए सप्लाई सिक्स एक ऐसा सप्लीमेंट है मुझे अभी तक मिला है जो कि अनफ्लेवर्ड है, ध्यान रखिए, और 100% नेचुरल है, तो मेरे हिसाब से सभी को लेना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां जाकर आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। और प्लीज अगर आपको वेट गेन वेट लॉस करना है तो आप प्री वर्कआउट जरूर ले, उसमें कोशिश करें प्री वर्कआउट में 100% नेचुरल, जब अब मार्केट में अवेलेबल है तो हमको आर्टिफिशियल वाला क्यों लेना। तो अगर आप जिम जा रहे हैं, वेट गेन वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो इसको एक बार ट्राई जरूर करें, मैंने लिंक दी है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।